मेघा सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है, ऐसे में देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो गणित यहां पर बैठाई गई थी उससे कांग्रेस पार्टी नाराज है। जी हां, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो बिहार कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी ने 4 मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन खबरें यही आ रही है कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में अब जो है सिर्फ कांग्रेस को 2 मंत्री पद मिले हैं, जिसके बाद कांग्रेस जो है काफी गुस्से में है। जी हां, कांग्रेस काफी समय से ये मांग कर रही है बिहार में नीतीश कुमार से कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो कम से कम सम्मानजनक मंत्रालय उन्हें मिला जाए और साथ ही सम्मानजनक मंत्री पद भी उन्हें दिया जाए संख्या में। लेकिन यहां पर संख्या बल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास बिहार में 19 विधायक है, ऐसे में 19 विधायक के संख्या बल के साथ जो गणित यहां पर कांग्रेस ने बैठाई है वो है 4 मंत्री पदों की। लेकिन इस 4 मंत्री पदों को लेकर हामी नीतीश कुमार ने नहीं भरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 3 मंत्री पद देंगे और ऐसे में 2 मंत्री पद के लिए शपथ आज कांग्रेस पार्टी ने ले भी लिया है। लेकिन अगर मंत्रालयों की बात की जाए तो बड़े मंत्रालय यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने पाले में चाहती है। दरअसल जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी ने सीएम कुर्सी और यहां पर देखा गया डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने में बांट लिया, साथ ही बड़े मंत्रालय जो है वो भी जेडीयू पार्टी और आरजेडी पार्टी के बीच हो रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बिहार कैबिनेट में चाहती है और इसीलिए लगातार जो है मांग यही उठ रही है कि कम से कम जो बड़े मंत्रालय हैं उसमें से एक मंत्रालय कांग्रेस पार्टी के पाले में भी जाए। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि पशुपालन जो मंत्रालय है और साथ ही पंचायत राज मंत्रालय, वो दोनों मंत्रालय कांग्रेस पार्टी के खेमे में आ सकता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर नाराज दिख रही है। दरअसल गृह मंत्रालय की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले गृह मंत्रालय और साथ ही वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, वही हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही एजुकेशन मिनिस्ट्री तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है और ऐसे में कांग्रेस के हाथ कुछ लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात से पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है कांग्रेस और कहीं ना कहीं महायुद्ध की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बोल अब कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का एक ही नेता है, वो है राहुल गांधी, यानी कि नीतीश कुमार को अपना नेता मानने से, अपना मुखिया मानने से इनकार कर दिया है कांग्रेस पार्टी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सम्मानजनक यहां पर स्थान मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा तो जल्द ही वो बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठा रहा है यहां पर सब कोई कि क्या सोनिया गांधी अब बिहार की राजनीति में कोई भूचाल ला सकती है। दरअसल सबसे पहले सोनिया गांधी ने ही नीतीश कुमार से बात की थी और कांग्रेस की एंट्री बिहार की राजनीति में करवाई थी। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से कांग्रेस नाराज चल रही है, क्या ये नाराजगी सोनिया गांधी नीतीश कुमार के सामने जाहिर करेंगी और ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में कांग्रेस जो है अब महागठबंधन अपनी जो पार्टी है उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगी। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।